फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास सेकंड का एक सब्जेक्ट कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 मोर ऑन कंपेंट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम इस वीडियो में पूरा चैप्टर रीड करेंगे, साथ ही में क्वेश्चन आंसर और ट्रू एंड फोर्स सब करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। यू हैव लर्नड अबाउट द पेंट प्रोग्राम इन क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट में हमने पेंट प्रोग्राम के बारे में पढ़ा है। यू नाउ हाउ टू मेक सिंपल ड्राइंग इन पेंट यूजिंग ऑन कमांड्स इन द होम टैब ऑन द रिबन। हमने सिंपल ड्राइंग को, पेंट को यूजिंग करा है किसकी कमांड से? होम टैब ऑन द रिबन के थ्रू। होम टैब क्या होता है? यू नाउ हाउ टू यूज लाइन, रेक्टेंगल, ओवल एंड फिल विद कलर। डू यू रिमेम्बर द कमांड्स इन टूल्स, शेप्स एंड कलर ग्रुप? लेट अस रिकॉल देम एंड लर्न सम न्यू कमांड्स। इस तरह से आपको पिक्चर्स दिए हुए हैं, किन पिक्चर्स के टूल्स के थ्रू हम जो हैं कंप्यूटर में ड्रॉ करते हैं पिक्चर्स को, किससे? जैसे पेंसिल्स, इसको बोलते हैं फिल कलर, कलर को फिल करने के लिए हम इस टूल का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इरेजर है, ब्रशेज हैं, मैग्नीफायर है। लाइंस के लिए हम इन शेप्स का यूज करते हैं, लाइन, ओवल, रेक्टेंगल, सभी शेप्स दी गई हैं, इन शेप्स का यूज किया जाता है, इन टूल्स का यूज किया जाता है और इनमें से कलर्स लिए जाते हैं कलर ग्रुप्स के अंदर से। नेक्स्ट यहां पर करेंगे हम पेंसिल। पेंसिल का यूज किस लिए किया जाता है? पेंसिल इज यूज फॉर ड्राइंग और राइटिंग एनीथिंग विद द फ्री हैंड मूवमेंट। बिना हैंड, मतलब हैंड के आप देखते हैं ना, हम क्लिक कर पेंसिल का यूज करते हैं लिखने के लिए, ड्राइंग करने के लिए। इरेजर का यूज किस लिए करते हैं? इज यूज फॉर इरेजिंग एनी पार्ट ऑफ पिक्चर और टेक्स्ट। किसी भी पिक्चर के पार्ट को इरेज करने के लिए हम इरेजर का यूज करते हैं। मैग्नीफायर इज यूज टू सी ड्राइंग एंड लार्जर साइज, इसका यूज करा जाता है ड्राइंग के लार्जर साइज के लिए। ब्रशेज का यूज हम किस लिए करते हैं? कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रशेज टू ड्रॉ विद अ फ्री हैंड मूवमेंट। ब्रशेस का यूज किया जाता है किसी भी पिक्चर्स को कलर करने के लिए फ्री हैंड मूवमेंट से। यूजिंग इरेजर, इट इज पॉसिबल टू इरेज द होल ऑफ और एनी पार्ट और योर ड्राइंग पेंट। टू इरेज द होल और पार्ट ऑफ ड्राइंग, फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप नंबर वन, क्लिक इरेजर। क्लिक करेंगे इरेजर पे फ्रॉम द टूल्स, टूल से हम क्लिक करेंगे इरेजर पे ग्रुप ऑन द रिबन। स्टेप टू, मूव ड्रैग द इरेजर ऑन दैट पार्ट ऑन द ड्राइंग वांट टू इरेज। और उसके बाद जिस पार्ट को हमने इरेज करना है उस पार्ट को हम उससे इरेज करेंगे। आप यहाँ इस पिक्चर्स के थ्रू ये देख भी सकते हैं, यहाँ साथ ही साथ आपको सभी पिक्चर्स दी गई हैं ताकि आप आसानी से उनको समझ सकें। तो आपके पहले हम इरेजर को लेंगे, फिर उस पिक्चर्स के जिस पार्ट को इरेज करना है हम उसको इरेज करेंगे, ठीक है। ड्राइंग अ पिक्चर, लेट अस लर्न टू ड्रॉ द पिक्चर्स ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। टू मेक द ड्राइंग, फॉलो द गिवन स्टेप। स्टेप नंबर वन, क्लिक होम टैब। स्टेप नंबर टू, क्लिक रेक्टेंगल फ्रॉम द शेप्स ग्रुप, ड्रॉ एंड द रेक्टेंगल एज शोन। नेक्स्ट लेंगे हम क्लिक पेंसिल फ्रॉम द टूल्स ग्रुप, ड्रॉ अ लाइन इनसाइड द रेक्टेंगल एज शोन। पहले हमने क्या करा? होम टैब में क्लिक करा, फिर हमने वहां से रेक्टेंगल की शेप ली, फिर हमने पेंसिल से उसको ड्रॉ करेंगे। इस तरह ड्राइंग का पिक्चर करेंगे हम। स्टेप नंबर फोर, क्लिक ओवल लेंगे फ्रॉम द शेप्स ग्रुप, ग्रुप शेप्स में से हम ओवल की शेप लेंगे एंड ड्रॉ द सर्कल एज शोन। क्लिक इरेजर फ्रॉम द टूल ग्रुप। नेक्स्ट है यहाँ पर इरेज द स्मॉल पोर्शन ऑफ सर्कल्स एज शोन। उसके बाद जो आप देख रहे हैं कुछ पोर्शन को यहाँ पर इरेज किया गया है। हर पिक्चर्स के आगे आपको नंबर स्टेप नंबर के स्टेप नंबर के हिसाब से पूरी पिक्चर्स शो करी गई हैं जिसके थ्रू आप आसानी से समझ सकते हैं। क्लिक पेंसिल फ्रॉम द टूल्स ग्रुप, यहाँ पे लिए हमने, क्लिक करी है, पेंसिल ली है, उसके बाद ड्रॉ द पिक्चर जर्मिनेशन ऑफ सीड एज शोन। 9 नंबर में आपको दिखाया गया है इस तरह से हमने ड्रॉ करा है और उसके बाद ड्रॉ द सन यूजिंग ओवल। सन के लिए हमने यहाँ पर ओवल का यूज करा है। यहाँ पर आपको पूरी पिक्चर्स दी गई हैं, आप पिक्चर्स के थ्रू बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम करेंगे
क्लिक नंबर 11, क्लिक 11, फिल विद कलर फ्रॉम द टूल्स ग्रुप। उसके बाद हम फिल कलर को फिल करेंगे टूल ग्रुप से कलर को लेकर। यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर 11 में हमने कलर को लिया है, उसके बाद सिलेक्ट द कलर टू बी द फील्ड। उसके बाद हम कलर को सिलेक्ट करेंगे उस टूल्स में से, कौन सा कलर हमने करना है वो भी आपको यहाँ 12 दिया। हमने यहाँ ग्रीन कलर करना है, हम पहले उसके अंदर जाएंगे उस बॉक्स के अंदर से, उसमें से अपना कलर सिलेक्ट करेंगे जो कलर हमें पिक्चर में करना है। क्लिक द ब्रशेस फ्रॉम द टूल्स ग्रुप एंड सिलेक्ट एयर ब्रश। उसके बाद हम एयर ब्रशेस ले सकते हैं अपने टूल में से, जहां पर आपको दिखाया गया है नंबर 13 में, और फिर उसके बाद नंबर 14 है। यहाँ देखिए स्प्रे द कलर, चूज ब्राउन कलर, ब्राउन कलर को चूज करा है। स्प्रे कलर बाय क्लिकिंग इन द वेरियस प्लेसेस ऑन द सॉइल। ठीक है, यहाँ पे कलर करने के लिए हमने कौन सा कलर को चूज करा है, ब्राउन कलर को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम कराएंगे मैग्नीफाइंग इन अ पिक्चर। मैग्नीफाई मीन्स टू एनलार्ज द व्यू ऑन एन इमेज। इट इज वेरी हेल्पफुल टू सी स्मॉल लाइन्स और इमेजेस इन द लार्ज फॉर्मेट। किसी भी चीज, स्मॉल चीज को लार्ज करने के लिए इस यूज करेंगे। और उसके बाद है टू मैग्नीफाई अ पिक्चर फॉलो द गिवन स्टेप्स। किस तरह से करेंगे, क्लिक मैग्नीफायर फ्रॉम द टूल्स ग्रुप द शेप ऑफ पॉइंटर चेंजेस एंड अ रेक्टेंगुलर बॉक्स अपीयर्स। क्लिक द पार्ट ऑफ द पिक्चर यू वॉन्ट टू एनलार्ज। किसी भी पिक्चर को क्लिक करेंगे हम उसको बिग साइज करने के लिए, उस पिक्चर्स के साइज को बड़ा करने के लिए। टू यू सी द ओरिजिनल पिक्चर, आप सी कर रहे हैं एक ओरिजिनल पिक्चर्स को। फ्रॉम द गिवन स्टेप्स क्लिक नंबर 1, गिवन मैग्नीफायर फ्रॉम द टूल्स ग्रुप, राइट क्लिक एट द एनी पार्ट ऑफ द पिक्चर्स टू मेक इट अपियर इट इज नॉर्मल साइज। आप यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू सभी चीज देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर्स के थ्रू सभी चीजों को आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर ओपनिंग अ न्यू ड्राइंग एरिया। यू ड्रॉ पिक्चर्स इन ब्लैंक शीट्स। आप पिक्चर्स को ड्रॉ करेंगे एक ब्लैंक शीट्स पे। व्हेन एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉ अ न्यू पिक्चर्स टू You take a new drawing sheet. Similar, you need a new drawing area to draw a new picture in paint. To open a new drawing area, follow the given steps. Click the paint button. A menu appears. एक menu के अंदर से हम paint button को click करेंगे। The click the new option, a new drawing area and paint is ready for use. नई painting करने के लिए आपके पास एकदम new area की एक paint sheet आ जाएगी, जिसको आप use कर सकते हैं। सेविंग योर वर्क, आप अपने वर्क को किस तरह से सेविंग करेंगे वो यहाँ पर बताया गया है। सपोज यू वॉन्ट टू स्टोर द ड्राइंग दैट यू आर हैव क्रिएटेड। जो आपने ड्राइंग की है, सपोज कीजिए आप उसको सेव करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, वट विल यू डू, आप कैसे करेंगे। यू विल स्टोर इट इन कंप्यूटर, आप उसको कंप्यूटर में स्टोर करेंगे। स्टोरिंग वर्क इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड सेविंग। कंप्यूटर में किसी वर्क को स्टोर करने को क्या बोला जाता है, सेविंग। टू सेव योर वर्क इन पेंट फॉलो द गिवन स्टेप। आप किस तरह से अपनी पेंटिंग को, जो पेंटिंग आपने ड्रॉ करी है, आप उसे स्टोर करेंगे, कैसे करेंगे स्टोर। क्लिक द पेंट बटन, अ मेनू अपीयर्स। क्लिक द सेव ऑप्शन, अ न्यू विंडो कॉल्ड डायलॉग बॉक्स अपीयर। नाउ इन द फाइल नेम बॉक्स टाइप द नेम दैट यू वांट टू गिव योर वर्क। आप उसको एक, उस जिस भी पिक्चर को, उसका एक फाइल को एक अपना नेम देंगे, उसके बाद आप उसको सेव करेंगे। क्लिक द सेव बटन, सेव करा जाएगा। एक फाइल का पहले नाम रखा जाएगा ताकि जब आप दोबारा उस कंप्यूटर में जाए तो उस फाइल पे क्लिक करके आप अपनी जो पेंटिंग्स हैं जो आपने सेव करेंगे आप उसको निकाल सकते हैं। पूरा नीचे पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाया गया है कैसे, नंबर स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 करकर, स्टेप 4 करकर आपको सारा वर्क करना है। बहुत इजी, आप इन पिक्चर्स को जरूर ध्यान से देखिए बच्चे, तभी आपको ये पूरा समझ आएगा चैप्टर। इसलिए पिक्चर्स को साथ साथ प्लीज जरूर देखें। नेक्स्ट यहाँ पर कराएंगे हम ओपनिंग अ सेव्ड ड्रॉइंग। अब जो आपने ओपन कैसे करेंगे, जो आपने सेव की थी ड्रॉइंग, तो यू नाउ हाउ टू सेव योर वर्क इन अ फाइल। नाउ लर्न हाउ टू ओपन सेव पॉइंट फाइल। सबसे पहले हमें याद होना चाहिए हमने किस फाइल के नाम से उसको सेव्ड करा था, तभी हम उसे ओपन कर पाएंगे ना। तो क्लिक द पेंट बटन, अ मेनू अपीयर्स। सबसे पहले क्लिक पेंट बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक द ओपन ऑप्शन, ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। सिलेक्ट द फाइल, उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे यू वॉन्ट टू ओपन, जिसे आप ओपन करना चाहते हैं, और फाइल का नाम आपको रिमेम्बर रखना होगा। क्लिक द ओपन बटन और क्लिक करेंगे हम ओपन, ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे हम
ओपन बटन को, यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आपको देखिए सब कुछ बताया गया स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री के बारे में। क्लोजिंग पेंट, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द वर्क क्लोज द पेंट प्रोग्राम, टू क्लोज पेंट प्रोग्राम फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप नंबर वन, क्लिक द पेंट बटन। नेक्स्ट है क्लिक द एग्जिट ऑप्शन। अपना काम करने के बाद आप किस तरह से उसको क्लोज करेंगे वो आपको बताया गया है। क्लिक द पेंट बटन एंड एग्जिट, हम एग्जिट कर देंगे वहां से। इफ यू ट्राई टू क्लोज अ पेंट प्रोग्राम विदाउट सेविंग द ड्राइंग, अ वार्निंग मैसेज अपीयर्स आस्किंग डू यू वांट टू सेव चेंज टू अनटाइटल्ड। क्लिक द बटन टू सेव द पिक्चर एंड एनी चेंजेस यू हैव मेड। अगर आप उस फाइल के नेम को चेंज कर देते हैं तो भी वो आपको वार्निंग करेगा कि आपने उस फाइल के नेम को चेंज कर दिया। क्लिक डोंट शो, क्लिक बटन टू डिलीट द पिक्चर एंड द चेंज यू हैव मेड, क्लिक बटन टू गो बैक एंड पेंट प्रोग्राम। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद है क्वेश्चन आंसर और ट्रू एंड फॉल्स। अब हम क्वेश्चन आंसर एंड ट्रू एंड फॉल्स करेंगे के बाद हम करेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू ड्रा अ सन वी यूज कमांड। सन को ड्रॉ करने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे, ओवल। ठीक है, टू मेक फ्री हैंड ड्राइंग कमांड इज यूज्ड। पेंसिल किसका यूज करेंगे, पेंसिल का। इज यूज टू फिल कलर्स इन द ड्राइंग, तो किसका यूज करेंगे हम यहाँ पे, फिल विथ कलर। तो यहाँ पे एयर ब्रश इज अ टाइप ऑफ, एयर ब्रश क्या है, टाइप किसका क्या है, टूल है, क्या है, टूल है। यहाँ पे हम लगाएंगे राइट का निशान। नेक्स्ट है हमारा, यू गेट द सेव ऑप्शन ऑन क्लिकिंग द बटन, तो क्या कौन से बटन को क्लिक करेंगे हम, पेंट बटन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स, द रिबन कंटेन्स डिफरेंट टैब्स एंड ग्रुप्स, तो यहाँ पे आएगा ट्रू, फिल विथ कलर कमांड इन प्रेजेंट इन द शेप्स ग्रुप, तो यहाँ आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है शेप ऑफ माउस पेंटर चेंज ऑन सिलेक्टिंग डिफरेंट कमांड्स, तो यहाँ पर आएगा आपका ट्रू। सॉरी, यू कैन ओपन सेव ड्राइंग इन पेंट, तो यहाँ आएगा ट्रू। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन बाय द टर्म मैग्निफाई। मैग्नीफाई का क्या मीन है, मैग्नीफाई मीन्स टू इनलार्ज द व्यू ऑन एन ऑफ एन इमेज। नेक्स्ट है, व्हाट इज पेंसिल कमांड इन पेंट इज यूज फॉर, पेंसिल कमांड इज यूज टू ड्रॉ इन लाइन्स। पेंसिल क्या यूज करती है पेंट में, ड्रॉ एंड लाइन्स के लिए हम पेंसिल का यूज करते हैं। व्हेन डू यू यूज एन इरेजर इन पेंट, इरेजर का यूज हम पेंट में किस लिए करते हैं, वी यूज इरेजर टू इरेज समथिंग व्हेन वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, कुछ जब हम गलत कर देते हैं उसको इरेज करने के लिए हम पेंसिल का, इरेजर का यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द कमांड यूज टू डू द फॉलोइंग आल्सो राइट इन विच ग्रुप ऑफ द होम टैब द कमांड इन प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखे हुए हैं तीन सेंटेंस उनकी कमांड और ग्रुप हमें बताने हैं। जैसे टू ड्रा अ बॉक्स, तो उसकी कमांड क्या हो गई, रेक्टेंगल, और ग्रुप क्या हो गया उसका, शेप, एक शेप हो गई ना। टू स्प्रे कलर, तो इसके क्या हो गया, एयर ब्रश, और ये क्या हो गया, एयर ब्रश एक क्या है, टूल। टू एनलार्ज या पिक्चर, तो क्या हो गया, मैग्नीफायर, मैग्नीफायर एक क्या है, टूल। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।